अब बोल, अब क्या कहते? नहीं 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 अच्छा जो पास आया तो राम कसम सर फाड़ दूंगी। सर फाड़ दे तो ले फाड़। सच्ची कहती हूँ, हाँ देख सच्ची कहती हूँ। तो मारना, मारती क्यों नहीं? देखूं कितना बड़ा कलेजा है तेरा। बस मारती हूँ, बस जा माफ किया। अगर तुझसे नहीं मारा जाता तो ला मैं आप मार लूं। तो तू मुझसे नफरत करती है ना? फिर तो तुम मुझसे ब्याह नहीं करेगी ना? मुझे कोई अपनी हड्डी पसली तोड़वाना जो तुझसे ब्याह करूंगी? अरे ब्याह के बाद मैं तुझे इस तरह थोड़ी छेड़ा करूंगा, ऐसे फूल की तरह रखूंगा और क्या, हाथ थोड़ी लगाया करूंगा। जब कोई बहुत चीजा करेगा ना तो इस तरह दूर से तुझे कभी कभी तिनके से छू लिया करूंगा। ना बाबा माफ करो। तो तुम इसे ब्याह नहीं करेगी ना? मुझसे ब्याह नहीं करेगी? नहीं नहीं नहीं, मैं तेरा गला खोल दूँ। हाय राम बहादुर छोड़, और जो मैं मर जाऊंगी तो? मर जाएगी तो? मैं तुझे लेकर इस दरिया में डूब जाऊँ। अरे चढ़ना बाबा। जंगी, अगर अभी हम दोनों मर जाते तो हमारा ब्याह कैसे होता? अरे फिर तो बड़ी धूमधाम से हमारा ब्याह सम्पन्न होता। सचमुच बादल, तुझ पर जरूर कोई भूत सवार है। भूत नहीं है कमू, पुतनी है, पुतनी। पर वो गई कैसे? मैंने कितनी दफा मना किया। चोरी कामने की बुआ लौंडिया कहां गई? देखो जी, मुझसे तुम्हारी लौंडिया की चौकीदारी नहीं की जाती। हाँ, और जो कल कला को कोई ऐसी ऐसी बात हो गई तो नाक चोटी मेरी कटेगी। मैं पूछता हूँ वो गई कैसे? मुझसे तो ये कहकर गई कि मौसी के यहाँ जा रही है। साली मौसी का तो बहाना है। तो गालियाँ कहाँ को निकालते हो? हाँ काका, ये साली मौसी का तो मेरा मतलब है मौसी का तो बहाना है। झूठ बोलता हूँ तो 150 जूते लगाना और गिनना एक मत काका। वहाँ दरिया किनारे बादल के संग हंसी ठट्टा हो रहा है काका। नाश जाए इस लड़के का। अरे मगर इसमें बादल का क्या दोष? हाँ हाँ, तुम्हारा सपूत तो बड़ा भोला है। राम कसम, जब देखो लौंडिया के पीछे पड़ा रहता है। किसी दिन गंडासे से दो न कर दिए हो तो नाम नहीं। अरे बहुत देखे हैं दो करने वाले, अपने लाडली के दो करो या चार। हाँ जग बहू, मैं तेरे मुंह नहीं लगा। अरे जान दो कमली की बुआ। निखट्टू पूत की तरफदारी कर रही हो? अरे निखट्टू है तो किसी के दरवाजे पे भीख मांगने तो नहीं जाता। अरे भाभी तुम्ही चुप रहो, चुप हो जाओ। अरे क्या दिन रात उधम मचाए रखती है भाभी, दो घड़ी सोने भी नहीं देती। अरे बुआ अच्छी तो? अरे अरे तुम बादल? हाँ बादल, दिखा नहीं पड़ता, आंखों पर भी चर्बी चढ़ गई है। अरे भैया तुम तो अभी अभी दरिया पे थे। दरिया? हाँ कौन सा दरिया? अरे वाह रे वाह, दरिया भी जानता? वो दरिया जहाँ कामनी के संग गोते लगा रहा था। गोते? हाँ कैसे गोते? अरे ऐसे है और कैसे। देखो भैया रंधीरा झूठ झूठ लगा था। क्यों रे? रंधीरे तेरी जवानी कसम, मैंने तो कामनी को 3 दिन से नहीं देखा। अरे 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 जालिम, मेरी जवानी की झूठी कसम क्यों खाता है? वैसे ही मेरी जवानी मिट्टी में मिली जा रही है। ये तो बताओ कामनी कहाँ है? अरे मुझे क्या मालूम, तो लगता क्यों? कहाँ गई लौंडिया? मेरी अच्छी दीदी, तेरे पांव पड़ूं।
अरे ये कामिनी तो 3 घंटे से मेरे पास बैठी गेहूं बीन रही है। क्यों झूठा कहेगा? तो भैया मैंने कोई सपना देखा होगा। भाभी क्या हुआ, क्या हुआ बादल? भाभी ए भाभी ओ क्या है वो? ये कामनी है ना, ये मुझे बड़ी बुरी लगती है भाभी। हाँ भाभी बहुत बुरी लगती है, बहुत बुरी लगती है मुझे। भाभी भाभी भैया से तो नहीं कहेगी? नहीं मेरी अच्छी भाभी। चल हट। बादल। हाँ भैया। तपेलों को घास डाल दे। अच्छा भैया अच्छा, कहना नहीं है भाभी। वो घास भैया? हाँ डाल। हाँ डाल देता हूँ घास। तो बादल का नाश मैंने मारा है या तुमने? अरे अभी बच्चा है, बहुत समझाती हूँ, पर उस छोकरी ने न जाने क्या जादू कर दिया है कि किसी के नहीं सुनता। बचपन से संग खेले हैं ना? हाँ। अब ये कामनी के बाप को कौन समझाए, उन्हें तो बस यही रट लगी है कि काम नहीं करता, बड़े अपनी बिटिया के लिए कोई महाराजा ढूंढ कर लाएंगे। कितनी बार कहा बादल से कि भैया शहर चला जा, कोई काम काज मिल ही जाएगा, यहाँ दिन भर लौंडिया के पीछे मारा मारा फिरता है, शहर चला गया तो संभल जाएगा। अब तो ये जी संभाले नहीं संभलता। अरे यार तेरे इज्जत ने तो नाक में दम कर दिया है, साला दिन रात करो ना। देख बे ये कामनी तेरे बस की नहीं, जो भगवान न करे कहीं तेरी उससे सगाई हो गई तो कसम है तुझे लुगाई बना के घर में रखेगी, चूल्हा फुकवाएगी। चूल्हा फुकवाएगी, बच्चे पलवाएगी, बच्चे कामनी के बच्चे। तेरी ऐसी की तैसी की। अरे भैया बात तो सुनो। तो मर्द नहीं, भूसे का थैला है। भूसे का थैला? हाँ, तू पुरुष जाति के माथे पर कलंक का टीका। कलंक का टीका मैं? हाँ, जब तुझसे कुछ किया धरा नहीं जाता तो ये ऐसा कमी क्यों चला है? अरे काहे को जुल्म करते हो जगन भैया, क्या नहीं किया मैंने उस कामनी के लिए, कौन से तावीज नहीं किए, कौन से गंडे छोड़ दिए मैंने, पर जालिम का दिल है कि चट्टान पिघलता ही नहीं। पर लौंडिया का बाप तो राजी है। बाप की न पूछो, तुम्हारी कसम, मुश्किल तो ये है कि शादी लौंडिया से करनी है, बाप से नहीं। अच्छा देख मेरे पास एक बूटी। बूटी? हाँ, जिसे खिला दो चनो नान पड़े चनो में। तुम्हारी कसम? तुम्हारी कसम, यूं तड़पे जैसे जलबिन मछरिया। कौन? कामनी? हाँ कामनी, यूं चली आएगी खींची हुई। यूं चली आएगी खींची हुई कामनी मेरे पास आए। हाँ, 100 रुपया लगेगा। 100 रुपया कुछ कम ना हो सकेगा? नहीं। ठहरो ठहरो भैया। अबे ये जड़ी बूटी है, कोई घास फूस नहीं है। अच्छा लो भाई रख दे, ये ले संभाल कर, पान में डाल कर चुपके से। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर वही 420? अरे अरे मंगलिया देख रही है दीदी, अपने पतिदेव के हाथ खंडे। अरे वाह, मैंने क्या किया? तुम उसे बेवकूफ क्यों बनाते हो? अरे मैं क्या उसे बेवकूफ बनाऊंगा, वो तो भगवान बना चुके। अरे मंगलिया जरा बता तो सही, इस मिट्टी के माधव में ऐसा क्या भाग गया तुझे? अरे जैसी गोल मटोली है वैसा ही वो, खूब रहेगी जोड़ी देखो जी। अरे अरे है तो नहीं, दशहरा सर पे आ रहा है। हे भगवान, पान खाए मुख लाल भयो, रंग चुए जैसे के सरकार, एरी हारी कामिनिया। हाँ
रणधीर की माँ पापू क्या है बे पापू अबे है क्या पापू बापू 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 मार डाला अरे क्या अरे क्या हुआ पान क्या पान मैंने पान तूने बनाया जी जी तूने बनाया था पान जी बाप ना लाया था दिक्कत दे कमीना ले आया सुनो रणधीर की माँ हाँ दीदी मेरा दुश्मन है इसने मेरी जान ले दी अरे कैसा पान बनाया था रणधीर माँ माँ मैंने पान उसके लिए बनाया था कामनी के लिए माँ तो फिर मैंने उसे उसमें बूटी डाल दी उसे राम करने के लिए माँ अरे माँ बूटी कैसी बूटी जादू की अरे जादू के पक्के बापू कहीं जादू की बूटी से लौंडी हाथ आती है नहीं कितना कहा दंड बैठक लगा फूल फूल कर भैंसा बना जाता है सुनो रणधीर की माँ माँ ये बेटा हमारे माथे पर कलंका टीका हे भगवान तुमने इस डरपोक चूहे को मेरे घर में जन्म देकर मेरा अपमान किया है भगवान जगन जगन मंत्र उल्टा पड़ गया जगन मंत्र उल्टा पड़ गया तुमने तो कहा था जो पान खाएगा वो मेरे ऊपर आशक हो जाएगा मगर बापू ने तो मेरी कपाल क्रिया कर डाली जगन ये भी अच्छा हुआ जो पान बापू ने खा लिया और जो कहीं कामनी खा लेती तो भगवान कहीं भूल चूक हो गई शायद तुम्हारी तो हमेशा भूल चूक हो जाती है अबे तेरे तो भाग ही खोटे हैं इसमें जड़ी बूटी का क्या दोष जड़ी बूटी का क्या दोष मेरे तो भाग ही खोटे हैं सुन ना रहने दे तेरे बस की बात नहीं जगन भैया बताओ तो सही कामनी के लिए अगर तुम कहो तो मैं आग में भी कूद पड़ूंगा भैया काम जरा मुश्किल है फिर भी बताओ तो सही सुन यहाँ से डेढ़ कोस पर जो मरघट है ना मरघट मरघट खत्म हो गया सारा इसे नहीं नहीं अच्छा भाई मरघट ही सही अब तो बताओ 3 दिन तक जाप करना होगा रात को भी रात को भी सब ठीक हो जाएगा भैया तुम फिक्र न कर मैं चलूं जरा काम सुनो तो था कहीं कौन यही मेरा जीजा फिर तो इसके चक्कर में आया कहो जाके काका से नहीं नहीं मगलिया बापू से न कहियो जग्गू बेचारे का क्या दोष मेरे भाग ही खोटे हैं दिल से मजबूर हूँ मगलिया ये जालिम नहीं मानता हवा के पीछे दौड़ रहे हो रणधीरे कामिनी तुम्हें नहीं मिलेगी क्यों मैंने कौन सा पाप किया है जो कामिनी मुझे नहीं मिलेगी हाँ समझा मैं मोटा हूं ना भूसे का थैला नहीं नहीं ये बात नहीं मर्द को तो भारी भरकम होना ही चाहिए तो फिर मुझे कामनी कामनी बादल की है आई समझ में कामनी बादल की है मेरी नहीं कामनी मेरी नहीं क्या है कुछ नहीं ये सब क्या हो रहा है ठाकुर साहब आ रहे हैं ठाकुर साहब कौन ठाकुर साहब जिनका ये बंगला है अरे रे अभी क्या गमला तोड़ेगा अम्मा अरे इधर आ बादल Thank you.
कमा चलती है कि नहीं? यहाँ से जाने को जी नहीं जाता। बादल मेरे लिए भी एक ऐसा बंगला बनवा देगा। नहीं। क्यों? चल यहाँ से। नहीं। चलती तरह? नहीं जाती। चल चली तरह से? नहीं जाती। नहीं चलेगी? नहीं। अच्छा तुझे बंगला बहुत पसंद है ना? हाँ। तो जा। तेरे बिना बंगला तो क्या, मुझे स्वर्ग भी ना पाएगा जंगली। कमो एक कमो। और जो तेरे बापू ने तेरा ब्याह किसी और से कर दिया तो? वाह, क्यों कर देगा? मैं कह दूंगी मेरा ब्याह तो हो चुका। किससे? है एक बनमानस, उससे। तो मैं बनमानस हूं? हाँ, सच कहती हूँ बादल, कभी कभी तो मुझे तुझसे डर लगने लगता है। तू मुझसे डरती है? हाँ डरती हूँ, तुझसे नहीं। हाँ तेरे इस अनोखे प्यार से बादल। हाँ। अगर कहीं मैं मर गई तो? ऐसी बात मत कर, जब तक मैं जिंदा हूं तू कभी नहीं मर सकती। मैं तुझे यमदूत से भी छीन लाऊंगा। अच्छा कमू, एक इस गधे ने तो नाक में दम कर रखा है। हाय राम, जाके बाबू से एक की चार चढ़ेगा। बादल अब क्या करें? चल भाग चल। बादल, बादल तूने हाँ। कामनी को तो नहीं देखा? कौन कामनी? अरे वाह, कामनी को भी भूल गए। ओ कामनी। हाँ देख रणधीर। हाँ उसका नाम भी मेरे सामने मत लेना। हाँ क्यों? भैया क्या फिर लड़ाई हो गई? आपकी बहुत जोर की लड़ाई हुई है। आपकी बहुत जोर की लड़ाई? आए आए, आपकी बहुत जोर की लड़ाई हुई। झूठ तो नहीं बोल रहे हो बादल? अरे नहीं नहीं रणधीर, तेरी जवानी कसम अक्की पक्की लड़ाई हो गई है। अरे मेरी जवानी की कसम न खा जालिम। अरे रणधीर क्यों क्यों कुछ रणधीर, जाओ जाओ इधर उधर कहीं होगी। अरे क्या ढूंढूं, अगर मिल भी गई तो? क्या हुआ भैया? घास मत बैठो रणधीर, घास मत बैठो, तुम्हारे कपड़े खराब हो जाएंगे। अरे कपड़े की अच्छी तैसी बिच्छू। खामखा डरा दिया। ये बिच्छू है कि पूरी चार हाथ की नागन है रणधीर? हाँ ये मंगला। ये मंगला? ये मंगला है? अरे हाँ मंगला ही तो है। अच्छा तो कामनी से तेरी सच्ची में लड़ाई हो गई? हाँ। तो बस अब तू इससे ब्याह कर डाल झटपट। हाँ
यही सोच रहा हूं मैं। अब देखो भैया, भगवान ने ये लौंडिया तो बस तेरे लिए ही बनाई है। सच कहते हो भैया। हाँ भैया, ये कामनी तेरे बस की नहीं। हाँ। सुनो, अगर ब्याह हो गया, भगवान ना करे, तो बस जोरू बनाकर घर में रखेगी, चूल्हे फुकवाएगी और क्या हुआ अंधीर? हाँ। कामनी, कामनी कहाँ है? कामनी कहाँ है? कहाँ है? उधर उधर कामनी कामनी कामनी। मंगला, मंगला, और वो बेईमान कहीं का कमीना चोर। मैं अपने जी को कैसे समझाऊं मंगलिया? कलेजे में आग लग रही है। आग? तू क्या जाने इस आग को? कलेजे की आग का मुझसे पूछते हो? क्या तेरे दिल में भी आग लग रही है? क्या मैं कोई गाय बैल? क्या मेरे सीने में दिल नहीं? ओ, कौन है वो मंगलिया? एक है। तुम नहीं जानते, मैं तो उसकी हूँ, पर वो किसी और का दीवाना है। तू उसकी है और वो किसी और के पीछे दीवाना है? कौन उल्लू का पट्टा है वो मंगलिया? मुझे उसका नाम बता, मैं साले का भेजा फाड़ दूंगा। हाँ, तू बड़ा ही बोला है रंधीरी, यही बात तो मुझे तेरी अच्छी लगती है। अच्छा मंगलिया, कोई ऐसी तरकीब बता जो कामनी के दिल में भी मेरे प्यार की टीसें उठने लगे, वो भी जब मेरा नाम सुने तो कोमल कली की तरह लग जाए, सिमट जाए। बता मंगलिया, कामनी को कैसे राम करूं? मुझसे ही तरकीब भी पूछ रहा है? अच्छा, कभी तूने कामनी से अपने दिल का हाल कहा कि मैं तुझे चाहती हूँ, कि तुम उसे कामनी को चाहते हो? कामनी के सामने तो कोई जैसे मेरा टेंटुआ पकड़ लेता है, पसीना छूट निकलता है। बोलना चाहता हूँ बोला नहीं जाता, कहना चाहता हूँ कुछ कहा नहीं जाता। अरे वाह। अच्छा देख, थोड़ी देर को मान ले कि जैसे मैं कामनी हूँ। अब क्या क्या क्या, क्या कहूँ? वही जो तेरा मन कहना चाहता है। हाय देवी, एक बार मेरे दिल की धड़कन सुन ले। सुन रही हूँ रणधीर। हाय देवी, दया कर मेरे ऊपर, ये तेरा दास। दास नहीं, स्वामी, मेरे देवता। भूखा जा रहा हूँ, तेरे प्रेम की आग में बुझा दे, बुझा दे, नहीं तो, नहीं तो। माफ करना मंगला, न जाने क्या कुछ बकिया तेरे सामने। बुरा न मानना, बुरा न मानना, बुरा न मानना, लेकिन मंगला, लेकिन मंगला, तेरे सामने तो मेरी जबान खूब कतरनी जैसी चलती है, तुझसे तो मैं अपने दिल का हाल कह सकता हूँ, मगर मगर कामनी, कामनी, हाय हाय, उसके सामने तो मुंह को ताला लग जाता है। अरे बादल और कामनी गए का? गए का? तो अरे, ए, ए, क्या कर रही है? हाय, हाय, हाय,
गाड़ी लेके भाग गई छोकरियां जी वो देखिए हुजूर जूस कहीं का बड़ा पैसे वाला होगा तो अपने घर का तो कह दो सर फाड़ा उसका कहने दे अपने आप ही सर फोड़ कर मर जाएगा रॉकी मैं ए लड़की नहीं हूं जी मेरा नाम कामिनी है कामिनी देखती नहीं है मछलियां पकड़ा है तो मैं कब कहती हूँ झक मार रहे हैं अरे बाप रे बाप कितनी ढेर सारी मछलियां पकड़ डाली हैं आपने जाओ यहां से बोल मचाओगी तो खाक मछली फंसेगी मछली तो क्या मेंढक भी ना फंसेगा ठाकुर साहब ऐसा कड़वा मुंह बनाकर बैठेंगे तो मछली तो बात भी ना पूछेगी अरे आपको हंसना भी आता है मैं तो समझी थी खाली घोड़े के ऊपर बैठकर हंटर फटकाना ही आता है कहिए आपकी गाड़ी तो राजी खुशी है कहीं हमारे बैठने से बिचारी की कमर तो नहीं टूट गई बादल बादल आ गया अजीब लड़की है कितनी मछलियां पकड़ी हैं भैया अरे अरे ओ बाप ओ भैया भैया पकड़ी है ना क्या है बड़ी नटकट छुपरी है ये कामिनी कामिनी ये लड़की कुछ पागल मालूम होती पागल तो नहीं है सरकार बहुतों को पागल बना चुकी सुन रे सजन सुन सुन मन की बतिया रे नैनों को भाए गैली तोरी सूरतिया मेरा नरम कर जुआ डोल गया कोई प्यार की बोली बोल गया मेरा नरम कर जुआ डोल गया छुप छुप के कोई आता है और प्रेम की बंसी बजाता है और प्रेम की बंसी बजाता है नस नस में अमृत घोल गया मेरा नरम कर जुआ डोल गया नस नस में अमृत घोल गया मेरा नरम कर जुआ डोल गया तन मन की सुध बुध खो बैठी मैं
चलो 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 यहाँ से। और सरकार ये शहर की तितरियां तो गृहस्थी के बवाल से घबराती है, कोई गांव की सीधी साधी लड़की अगर आप कहे तो। सरकार मैं पोस्ट मास्टर को अच्छी तरह जानता हूं। आपने बाग के फल है लीजिए लीजिए। आओ बेटा आओ आओ आओ। सुखी रहो बेटी। अरे इतने ढेर सारे फल ठाकुर साहब ने भेजे तेरे लिए। ठाकुर साहब? हाँ। ओह ठाकुर साहब तो बड़े काम के आदमी है। अरे ये तो बड़े मीठे। अरे अरे कहाँ चली पगली? बापू ये फल जरा बाहर बैठकर खाऊंगी। देखिए तो इतनी बड़ी हो गई और शरारत नहीं छोड़ी। यही बात तो हमारे सरकारों को पसंद आ गई है। ओ, तो आप उनसे कह दीजिए मुझे मंजूर है। अरे इतने सारे कहां से लाई? ये था बड़ा मीठा है ठाकुर ने भेजे। ठाकुर ने? ठाकुर ने तुझे फल भेजे? वो क्यों? पागल कहेगा। अरे खाने के लिए और क्यों? पागल चला जा चल के उसका बाग लूटे। लूटने की क्या जरूरत है, वो तो वैसे ही तुझे मिल जाएगा। बस चल गया। मैं क्यों जलता? तू समझता है ठाकुर मुझे इन फलों से खरीद लेगा? उसके पास सोने के भी तो फल फूल हैं। अच्छा तो जब कामिनी का सौदा होगा तो तू बैठा बैठा मुंह देखेगा ना? तेरे मन का सौदा होगा तुम्हें कौन? मेरे मन का सौदा तो हो चुका जंगली। पर सोने के बोझ तले अच्छे अच्छे डांडी मार जाते हैं। तू मुझे इतना नीच समझता है? तो तेरे दिल में मेरे प्यार की इतनी ही इज्जत है। चल दूर है मुझसे बात मत कर। अरे ठहर तो। बाप अब मुझसे बात की तो अच्छा ना होगा। ए कम्मो। मर गई कम्मो। इससे तुम मौत आ जाए छुटकारा तो मिले। जगन जगन तीन काम जरा मुश्किल है।
मुश्किल पर जीत तेरी होगी। वो जो पुराना पीपल का पेड़ है ना शमशान में, तीन दिन और तीन रात जाप करना होगा। तीन दिन और तीन रात जाप, भगवान ने चाहा तो लौंडिया तेरी होगी। पर देख डरना नहीं, 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 नहीं। भूत परे तेरा ताप तोड़ने आएंगे। भूत बापरे, करने की कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो तेरा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे बच्चा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। देख भेद बदल बदल कर, कभी मात पिता का रूप धार कर, कभी कंचनी का स्वभाव लेकर वो तुझे भटकाने आए। पर तू डरना नहीं, नहीं, नहीं। तीन चक्कर काट कर बीच में बैठ जाना। तीन चक्कर काट कर बीच में बैठ जाऊं? तीन चक्कर, तीन चक्कर काट के पीछे, ये दो, ये तीन, बीच में। आज तो बादल सिंह बड़े चुप बैठे हैं और बिजली भी सवेरे से नहीं चमकी, मालूम होता है फिर कुछ चल गई। क्यों रे बादल? हमसे बात मत करो भाभी। क्यों रे, अब तो मिलाप ना होगा? नहीं। चलो अच्छा ही हुआ, अब तो कुछ कामकाज करोगे ना? क्या करेंगे कामकाज करके? मैं तो कहती हूँ शहर चले जाओ, हाँ भाई कुछ रुपया पैसा आ जाए तो अच्छा ही है। किसके लिए? सच कहती हूँ, इस छोकरी ने तो तेरी मिट्टी पलीत कर दी, न मिले चैन न बिछड़े। भाभी झूला झूलने चली? नहीं भाभी नहीं जाएगी। भाभी बरसात तो दूर है और ये मेंढक अभी से कहाँ को डराने लगे? चलना मेरी भाभी। कह जो दिया कि नहीं जाएगी। भाभी ये कौन है? बड़ा जंगली सा मालूम पड़ता है, भैया कोई नया पकड़ कर लाए हैं। देखो भाभी इसे मना कर दो। भाभी बादल से कह दो मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहती। भाभी कामनी से कह दो कि मैं खुद इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। भाभी बादल से कह दो जो बात मैं कहूँगी ना दोहराए, कोई नई बात कहे। भाभी कामनी से कह दो कि अरे तुम मेरे कंधे काहे को तोड़े डालते हो, तुम खुद ही कह लो ना। बेशर्म है दोनों के दोनों। नमस्ते बाबा। जीती रहो बेटी। आओ बाबा, अब के तो बहुत दिन बाद आए, कहाँ रहे इतने दिन? अरे हमारा कहाँ रहना सहना, हवा का झोंका है, इधर आए उधर चले गए। तूने बादल तूने कहीं सुल्लू के पट्टे को देखा है? किसे रणधीर को? हाँ हाँ उसी को। वो तो जगन क्या होगा? वहां नहीं है, इस जगन ने उसका और नाश मारा है, कल शाम से गायब है। मिल जाए तो मैं उधर दूंगा। बहार दिया डोले मुरा दिया डोले मुरा दिया डोले रे आई बहार दिया डोले मुरा दिया डोले मुरा दिया डोले रे जगह है प्यार मन भोले मुरा जगह है प्यार मन भोले मुरा मन भोले मुरा मन भोले रे आई बहार दिया डोले कैसे कहूँ रिहाए मन की बतिया
धड़के दिया मोरा फड़के अखियां, धड़के दिया मोरा फड़के अखियां। कोई बात नहीं रणधीरे, ये भूत परी तुम्हारे माता उठा कर डराने आए। लूके बच्चे, ये क्या ढूंढ लेता रखा है तूने? उठ, मेरे पिता का रूप धार कर आए हो। जाने दो काका, चक्कर में पैर न रखना, हाँ नहीं तो भस्म हो जाओगे। ऐसी की तैसी बापू, वो तो पहले ही थप्पड़ से समझ गया भूत होता तो कभी का भसम हो क्या होता। क्षमा करो बापू, क्षमा करो, अरे आओ बचाओ बचाओ, अरे बापू को कुछ हो गया। हमें मार चला ये ख्याल ये गम, न इधर के रहे न उधर के रहे, न इधर के रहे
के रहे किसी और का हो गया कोई तो हम न इधर के रहे न उधर के रहे न इधर के रहे न उधर के रहे हम जहर तो खा लेते उन बिन खंजर भी चला लेते लेकिन न हो उनको खबर तो हाय सितम न इधर के रहे न उधर के रहे न इधर के रहे न उधर के रहे न हो उनको खबर तो हाय सितम न इधर के रहे न उधर के रहे है वो प्यार का फंदा गर्दन में जीते न बने मर्द बने हाँ जीते न बने मरते न बने हाँ जीते न बने मरते न बने यूं ही बीच गले में अटका है दम न इधर के रहे न उधर के रहे न इधर के रहे न उधर के रहे यूं ही बीच गले में अटका है दम न इधर के रहे न उधर के रहे हमें मार चला ये ख्याल ये गम न इधर के रहे न उधर के रहे हमें मार चला ये ख्याल ये गम अबे ओ उल्लू के पट्टे किसी को सोने भी देगा कि रात भर रहता ही रहेगा माँ माँ तीन दिन की तपस्या पर खाक डालती दो चार हाथ की बात रह गई तो जालिम ने रस्सी काट दी माँ आग लगे तेरी तपस्या को भगवान समझे इस जग्गू के बच्चे को अरे मंगो तू काहे को इस निगम में के पीछे रो रही है बेशरम कहीं का वो नक्चर ही मुंह लगाती नहीं और इसका कलेजा फटा जाता है अरे तो ये कोई अपने बस की बात है माँ नसीब की बात है नसीब की चूल्हे में जाए ऐसा नसीब खोटी अकल के बस अब हो चुका प्रेम कल ही मैं जाके मंगला की दीदी से बात पक्की किए लेती मंगला कौन मंगला अंधे कहीं के तुझे मंगला भी नहीं दिखाई देती मंगला ये माँ मंगला क्या कह रही माँ मंगला अरे हाँ मंगला ही तो है मंगला माँ ये मंगला थी ना माँ हाँ अरे हाँ सीधा बैठ मंगला मुझसे शर्मा कर भाग गई मारी तूने पहले ही काहे को याद न दिलाया बेनहा को बापू से जूते खिलवाए मेरा पलस्तर ढीला करवा दिया जब जाके कहीं बोली मंगला मंगला लक्ष्मी है लक्ष्मी लक्ष्मी कौन लक्ष्मी याद है माँ तूने ही एक दिन कहा था कामनी से मेरी सगाई करेगी बस बस उसी दिन से कामनी मेरे मन को भा गई फिर आज तूने मंगला का नाम लिया मंगला और अब तू लक्ष्मी पर रिझ रही है देख माँ मंगला से मेरी सगाई कर दे लक्ष्मी लक्ष्मी मुझे नहीं चाहिए हाँ मंगला 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 चल तो रहा हूं चारू चोरी चल सीधी तरह निकम्मा तो ऐसा कौन सा आप हो गया
जो दो बोल फूटे मुंह से निकल गए कि बचपन से संखेले हैं, इनका छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। अरे तो क्या जबरदस्ती छाती पर चढ़ के शादी कर दोगे? ये भैया वो जबरदस्ती के दिन गए, भला से आने तो क्या चाहती हो? इसे उस निखट्टू के बल्ले बांध दूं? भाई के टुकड़ों पर तो खुद पड़ा है, इसी तरह से भी ले जाकर भावत की चाकरी में डाल देगा। मेरी भला से जो जी में आए करो। अच्छा चेत सिंह की बहू के पैर दबाएगी, तेल मालिश करेगी तो बची खुची से भी मिल जाया करेगी। तेरे ही भले को कहता हूं बेटी, बादल किसी काम का होता तो मैं कभी इनकार ना करता। हाँ हाँ बेटी, शहर भेज रही है, वहां घुट घुट के मर जाऊंगा मैं। मेरी खातिर मुझे प्यारने के लिए बात है, और फिर जब तू ठाट बात से कोट पतलून पहन कर आएगा तो लोगों की आंखें फटीती रह जाएंगी, फिर हम नदी पार ऊंचा बंगला बनाएंगे। से उठा कर दी तू पास होती जब भी ऐसे मालूम होता जैसे मुझसे कोसों दूर है, जैसे तुझे मुझसे कोई छीने लिए जा रहा। तेरी बात पर भरोसा करके जाता हूं कमल, ये धोखा मत देना, मेरी मोहब्बत का अपमान मत करना कमल। ऐसे ना जाओ,
मुझसे न रूठ जाना, उल्फत को तुम निभाना, मुझसे न रूठ जाना, मुझसे न रूठ जाना, जालिम है ये जमाना, जालिम है ये जमाना, दिल तो है बेकसूर, आँखों से दूर जाके जाना ना, दिल से दूर, आँखों से दूर जाके जाना ना, दिल से दूर, आँखों से दूर जाके। बात है तुम लौट आए? हाँ कम, वहां मेरा घड़ी भर को भी दिल नहीं लगा कम। बापू सच कहते हैं, तुम निकम्मे हो और सदा निकम्मे रहोगे। कम्मो काहिल मिट्टी के माधव, कि यही तुम्हारा प्रेम है? क्या इसी मुंह से कहते थे मेरे लिए जान दे दोगे? चले जाओ यहां से, मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहती। मैं तुझसे दूर नहीं रह सकता कम्मू, तेरे बिना मेरा दम घुटने लगता है। हाँ। क्या सदा इसी तरह मेरे पल्लू से बंधे रहोगे? पर अभी जो तुम मुझे याद करके रो रही थी, बुद्धू कहीं के तुम समझे मैं सचमुच बैठी तुम्हारे बिरह के गीत गा रही थी? क्या मैं सारी उम्र एक निखट्टू की आस में कुंवारी बैठी रहूंगी? तो क्या तुझे नदी पार का ऊंचा बंगला मुझसे ज्यादा प्यारा है? हाँ, पर अब वो बंगला तुझसे ना बन सकेगा। मेरा दिल मत तोड़ कामनी। और तूने जो मेरा दिल तोड़ दिया, मेरे सब सपनों को मिट्टी में मिला दिया। कम्मू तुम तो कहां पे हो? चलो अंदर।
बाबा भैया से कह देना मैं शहर जा रहा हूं। अरे मैंने तो पहले ही कहा था। आग मुन्ने की माँ मुन्ने दुनिया बड़ी नीच है साहब, बेकार को मेरी बच्ची को बदनाम कर दिया। खैर अब तो मर गया, अगर वो जिंदा होता तब भी उस कंगाल को मैं अपनी बेटी हर किस्मत देता। तक हम उठाए वो
देवी मार्फत पोस्ट मास्टर मोतीपुर। प्यारी कमो, प्यारी कमो, तुम्हारा बादल, बादल, कुछ भी नहीं। आओ, कोई माचिस आचिस होगी? माचिस, माचिस तो अच्छा रहे। बाल बच्चे तो अच्छी तरह से है ना? हाँ काका, बादल की मौत ने अपनी कमर तोड़ दी, अब तो काम में ही मन नहीं लगता। हाँ बेटा, उसके खेल वही जाने। अच्छा काका, मैं चल। घर पे कौन बिठा सकता है? मैं तो आज मरा, कल दूसरा दिन, क्या भरोसा? सोच रही हूँ, घर पसंद आया? हाँ।
तुम तो भक्ती हो, मेरी बिटिया तो राज कर रही है राज। वाह, आज तो तुम्हें देखकर भैया का हार फेल हो जाएगा। तुम्हारी भाभी कहाँ गई? कहाँ गई? कहाँ गई? अरे भाई मैं के गई, और कहाँ जाती? कहाँ चले? जरा समझ गई, भाभी के मैके, ठीक है ना? दो घड़ी को भाभी आंख से उजल हो जाए, बस डार्लिंग डार्लिंग है तो डार्लिंग। सुनो तो, ये देखो हमारा नया सूट, ठीक है ना? हाँ, ठहरी। इतना चाहूंगी तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। छोड़िए, छोड़िए मुझे। ये क्या कह रही? ठीक ही कह रही, आपको उससे प्रेम था। बस जल गई भाई, औरत की जात पे कितनी शक्की होती है। तो तुम समझती हो मुझे अब तक उससे प्रेम है? मेरे लिए तो वो मर चुकी। नहीं, मरने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मगर तुमसे तो ब्याह हुआ है, प्रेम ही ब्याह होता है। हाँ। नहीं। आप। सरकार आपको वहम हो गया है, वो पागल बागल कुछ नहीं है। मगर फिर ऐसे ही अगर जंगल का पौधा महल में सजा दिया जाए तो पुराने पत्तियां झड़ने में और नई निकलने में कुछ देर तो लगती है। ना जाने आपको कब यकीन आएगा कि मैं आपकी हूँ। तो फिर क्यों हरदम मेरे कलेजे में टीसी उठा करती, जैसे कोई तुम्हें मुझसे छीने ले जा रहा है। मेरे पास भी होती हो तो बैठे बैठे ना जाने कहाँ गायब हो जाती। आपको तो वहम हो गया है, भला आपके सिवा मेरा इस दुनिया में और है ही कौन? बादल, तू दूर हो यहाँ से। मैं तो बादल की हूँ। नहीं, तू झूठी है। कामिनी, सुना सुना आपने ये क्या कह रही है? कामिनी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है?
अबे पागल हो गया तू? पागल? छोड़ दे मुझे। भागेगा तो नहीं? नहीं, नहीं। लेकिन हालात याद रखना। नहीं, कभी नहीं भागूंगा। चल ले। भगा दिया। ए, अंधेरे! कुछ क्या हो गया तुझे? कुछ। जगन भैया? पागल? तुम? हाँ भैया। देखो इस अंधेरे को क्या हो गया? ए रणधीरे, कहीं तू मेरी वर्दी से तो नहीं डर गया? मैं लड़ाई पे गया था, देख देख। ओ हैं, तुम्हें मरा ही कब था जगत? तो वो मालूम होता तुम सब लोग मुझे मुर्दा ही समझे हुए थे, और भैया ने तो मेरी चिट्ठी का जवाब ही नहीं दिया। समझे होंगे कि पैसा मांग बैठेगा। क्या बात है? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। रणधीरे, कामनी कैसी? कामनी अच्छी है, उसका तो ब्याह हो गया। भैया भैया, ऐसा नहीं हो सकता, उसका मेरे साथ ब्याह नहीं हुआ। वो तो वाह, मैं क्यों बताऊं भला कि कामनी का ब्याह ठाकुर से हो गया है। झूठ बोलता है? नहीं, झूठ बोलता है। ऐसा नहीं हो सकता, कामनी मेरी है, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। बादल, कहाँ जा रहे हो बादल? रहने दे, ताजी चोट है वो ठीक हो जाएगा। चल रणधीरे, चल। चुप सी लग गई है, बोलता चलता नहीं, कुछ कहता तो नहीं मेरे बारे में। नहीं, कोई तेरा नाम भी ले दे तो बिगड़ जाता है। मेरा नाम सुनकर बिगड़ जाता है। अच्छा हुआ, राम करे मुझे भूल जाए, मुझे भूल जाए तो अच्छा ही है।
तुम बड़ी भागवान है। कुछ नहीं, तुझे बहुत दिनों के बाद देखा तो गांव याद आ गया। सब तो अच्छे हैं, रणधीर तो ठीक है? हाँ अच्छे हैं, पर काका की तबीयत ठीक नहीं। कहते थे कामनी से कह दीजिए मैं जरा ठीक हो जाऊं तो आऊंगा। बाबू से कह देना, अब कामिनी से भगवान के यहां मुलाकात होगी। Woo!
बी सिंह, तो आप मिलिट्री में हैं? जी हाँ। और यहाँ छुट्टी पर आए हुए हैं? जी। आओ आओ। बैठिए ना मिस्टर सिंह, ये मेरी भाभी है। आओ बैठो। नमस्ते देवी जी। नमस्ते। मालूम होता है, मालूम होता है इन्हें पहले कहीं देखा है। किसे? भाभी को? जी हाँ, शायद मेरा बहन, लेकिन अगर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जरूर कहीं देखा होगा। पिछले जन्म में नहीं, मगर अब तो आप पहचान ही गए। अब मैंने अच्छी तरह पहचान गया। जी कुछ है? अच्छा मैं चलूंगा, अब बैठिए, चाय तो पीजिए। शुक्रिया। अजीब आदमी, न जाने बैठा कहाँ है। अगर अब के कभी आए तो उससे पूछना। अब के वो इस घर में ना आएगा। क्यों? मेरी मर्जी। अरे सुनो तो। छोड़िए फिर, आपको तो हर बात की जिद होती। अरे भाई तुम तो खान का, आप गए नहीं? जी नहीं, यहां से जाने को जी नहीं जाएगा। तो आइए बैठिए। बॉय चाय बाहर ले आओ। आइए। अरे चलिए ना। चलिए आइए मिस्टर सिंह। शक्कर जरा ज्यादा पीता हूँ देवी जी। कितने रोज की छुट्टी पर आए हैं आप? जी अभी कुछ तय नहीं किया, मुमकिन है आज ही वापस चला जाऊं, मुमकिन है कभी वापस न जाऊं। और आपकी फैमिली? मेरे पास ही तो है। जी मेरा मतलब है वो हमसे कितनी ही दूर क्यों ना हो, दिल से दूर भागकर नहीं जा सकते। लाओ। और बाल बच्चे? शादी हो जाती तो बाल बच्चे भी हो जाते। क्यों? अरे आपकी शादी नहीं हुई? जी नहीं। तो बड़ी अजीब बातें करते हैं आप भी। जी हाँ, मेरा मतलब है कि अच्छा जाने ही दीजिए। ये लीजिए कुछ खाइए। शुक्रिया। बेटी
भगवान की पूजा हो रही। हाँ भाई क्यों ना हो, आखिर उसी का दिया सब कुछ तो है। ये ऊंचा बंगला, ये बाग बागीचा, ये कपड़े गहने, बड़े आदमियों के भी क्या ठाट है। चला जा बादल, चला जा यहां से, नहीं तो। नहीं तो क्या हो? मिस्टर सिंह। जैसी आपकी मर्जी, मैं भी वैसे दिन भर अकेला पड़ा रहता हूं तो। अरे देखिए, ये कह रही है कि मैं रोज यहां आया। इजाजत है? जाइए, हम आपसे नहीं बोलते, चुपचाप भाग आए। बड़े खराब आदमी हैं आप। अरे आप तो नाराज हो गए। अच्छा सा हमारी किस्मत ही खराब है, दुनिया हमसे रूठ चुकी है, आप भी रूठ जाए। देवी जी नमस्ते। अरे आप हमें देवी क्यों कहते हैं? बात यह है कि जब भी मैं इनकी सूरत देखता हूं ना तो अच्छा फिर कभी बताएंगे। आइए आपको मेरी भाभी पसंद नहीं? किसे? मुझे? इसका जवाब भी फिर कभी देंगे। अच्छा अगर आप कहती हैं तो नहीं जाए, चलिए वहां बैठे। आओ बैठो। कमला, कितना लंबा चौड़ा नाम है तुम्हारे है? अगर मैं तुम्हें कम्मू कहूं तो बुरा तो नहीं मानूंगा? कम्मू? घबराने में तुम्हें खा तो नहीं जाऊंगा। जानती हो मैं यहां किस लिए आता हूं? सिर्फ एक बार तुम्हें देखने के लिए। तुम चाहती हो कि मैं यहां ना आऊं, लेकिन मेरे बस की बात नहीं। अगर मैं न भी चाहूं तो मेरे पैर यहां भटक कर चले जाते। अब बताओ मैं क्या करूं? भाई ऐसे कहिए।
बैठिए बॉय, मिस्टर सिंह के लिए चाय लाओ। अभी जी नहीं भरा और क्या कुछ देखना बाकी रह गया है। हरी, मैं इस तरह अपना जीवन एक कर दूंगा, इसे तेरा जीवन नहीं बिगाड़ने दूंगा। आज मैं ठाकुर से सारी बात कह दूंगा। बापू जी। मैम साहब, गाड़ी तैयार करो, पिताजी गांव जाएंगे। बहुत अच्छा बेटी। आपने नाच गाने का इंतजाम किया? अरे कल आपकी सालगिरह है। जी शुक्र है, आपको याद तो रहा। देखिए जनाब, अगर कल भी आप देर करके आए तो मैं आपसे सारी उम्र बात नहीं करेंगे। देखिए कल जल्दी आइएगा।
तुम कमला से प्रेम करते हो? मेरी तरफ देखो, डरती हो ना? डरती हो कि कहीं तुम्हें अपनी बात का जवाब मेरी आंखों में ना मिल जाए? अगर इतना बल होता तो मैं यहां आता ही क्यों? नमस्ते। नमस्ते। मैं कोई भौरा नहीं हूं कि मैं जो कड़ी कड़ी पर मंडलाता फिरूं। मैंने एक बार मोहब्बत की थी और आपका मकान बहुत खूबसूरत जगह बना हुआ है। तो फिर तुम कमला का जीवन क्यों मिट्टी में मिलाना चाहते हो? मुझे किसी के जीवन से क्या दिलचस्पी? तुझे इन बातों से क्या मिल जाएगा बादल? वही जो तुझे मिल गया, तूने मुझे धोखा देकर। बादल, तूने मुझे धोखा देकर अपनी झोली सोने से भर ली। कमला अब मेरे काबू में है, मैं उसे तड़पा कर अपने तड़पने का बदला लूंगा। वो सारी उम्र सर पकड़ कर रोएगी और तुम्हारे पति देव के कलेजे पर छुट्टियां चलेंगी। तुम्हारा सुख चैन हराम। जब दुनिया को मालूम होगा कि इस तमाम तबाही की तुम जिम्मेदार हो, तुम जो इस घर की रानी बनकर बैठी हो, तो तुम किसी के सामने सर ऊंचा करके नहीं चल सकोगे। और उस वक्त मैं हंसूंगा कम। नहीं नहीं बात है, मैं तुझे कभी अपने जीवन में आग ना लगाने दूंगी। चला दे। ये मुझे इस घर से निकाल रही है। अगर आपकी भी यही मर्जी है तो मैं। ये घर मेरे भैया का है। चलिए ना, नाच शुरू होने वाला है। चलिए ना देवी जी, तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। कमला, फरमाइए। तेरे ही भले को कहती हूं। बस यही कहना है या कुछ और भी? कमला, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, मैं समझ गई। क्या तुम जलती हो? कमला, भैया, भैया क्या है? ये कामिनी, चलो यहां से। लेके तुम्हारा ना
किसका है दिल ये किसका है मेरी जान जिगर किसका है आओ मिलकर जमाने की लूटें बाहर आओ मिलकर जमाने की लूटें बाहर तेरी बाहें गले में है फूलों का हार तेरी बाहें गले में है फूलों का हार आओ मिलकर जवानी की लूटें बहार आओ मिलकर जवानी की मुझको उल्फत के फरेबों में बहुत कुछ जकड़ा मुझको उल्फत के फरेबों में बहुत कुछ जकड़ा मैंने दुनिया को झटक कर तेरा दामन पकड़ा मैंने दुनिया को झटक कर तेरा दामन पकड़ा अब तो रस्ते में अपने नहीं कोई हार अब तो रस्ते में अब तो रस्ते में अपने नहीं कोई हार वो मिलकर जमाने की लूटें बहार वो मिलकर जमाने की लूटें बहार वो मिलकर जमाने की तो देख मेरी जान कौन आया है ये कौन चांद सितारे समेट लाया है अब तो कर ले प्यार सजनिया अब तो कर ले प्यार रे अब तो कर ले प्यार सजनिया अब तो कर ले प्यार रे सूरज जैसा लाया टीका चांद भी जिसके आगे फीका सूरज जैसा लाया टीका चांद भी जिसके आगे फीका तेरे गले को लाया प्यारी जगमग जगमग हार रे तेरे गले को लाया प्यारी जगमग जगमग हार रे अब तो कर ले प्यार सजनिया अब तो कर ले प्यार रे अब तो कर ले प्यार सजनिया दिल में तड़प रहे हैं जो अरमान निकाल दे मेरे गले में दौड़ के बाहें तो डाल दे अब ये बाहें नहीं बेकल तेरी गर्दन के लिए हाथ भी अपना बढ़ाना मेरे दामन के लिए मिल गया मेरे गुलिस्ता को सजाने वाला मिल गया मेरे गुलिस्ता को सजाने वाला लाल गौहर मेरे कदमों पे लुटाने वाला लाल गौहर मेरे कदमों पे लुटाने वाला तेरा मेरा नाना क्या है मेरा उसका प्यार रे मेरा उसका प्यार रे मेरा उसका प्यार अपने पहलू में समझ
कहता था कि दिल रखती है तू, दिल रखती है तू, दिल नहीं सीने में एक पत्थर की सिल रखती है तू, मकर की पुतली वफा के नाम की दुश्मन है तू, दुश्मन है तू, दस के मेरे दिल को जो पलती है वो नागन है तू, नागन है तू, नागन है तू, नागन है तू, अपनी इज्जत अपनी वक्त अपनी गैरत बेच दी, गैरत बेच दी, बेच दी, तूने दौलत के लिए अपनी मोहब्बत बेच दी, 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 चुपचाप बैठे रहो, हम घर में नाक कटाओगे क्या? कब तक भटकाते रहोगे भगवान? मुझे घर में मेहमान बने और तुम यहां बैठी हो, क्या मुझे जलील करने की ठान ली है? आपकी इज्जत के लिए मैं अपनी जान तक दे दूंगी। ये बैठे बैठे तुम्हें हो क्या जाता है? अच्छा तो चलो यहां। आप भाभी की बातों का बुरा ना मानिएगा, वो तो ऐसी दीवानी बातें किया करती हैं। मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कि भाभी सचमुच पागल है। भैया कहते हैं शादी के पहले बड़ी चंचल थी, पर जिस दिन से यहाँ आई है मानो उन्हें साफ सुन गया है, न हंसना न बोलना, अजीब बहकी बहकी बातें करती हैं, हर वक्त खोई हुई सी रहती है, जैसे कहीं कुछ रखकर भूल गई। क्यों? सुना है उनका कोई प्रेमी था, बेचारा मर गया। मर गया? हाँ, जलकर भस्म हो गया। उसका सूट बना रही है। जी? सोच रहे हैं? कुछ तो नहीं। तुम बहुत अच्छी लड़की हो कमला। और ये भी, चलिए चाय पिए। कमला आई, आप चलिए मैं अभी आती हूँ। Thank you.
आपको चाय दूंगा। ये चाय मेरे अपने लिए बनाई। कोई बात नहीं, आपने शक्कर ज्यादा डाल दिया, मैं भी शक्कर ज्यादा ही पीता हूँ। हम भी कितने खुशकिस्मत हैं। देखा जाता, अब नहीं देखा जाता। पागल, बिल्कुल पागल। मुझे कई बार छुपा हुआ, आज परी महफिल में मेरा खेल पागल रख दिया। दुनिया हंस रही है कि मैंने एक पागल कंवारी से ब्याह किया, मगर तुमने उसे जहर क्यों दिया, मुझे क्यों न दे दिया? बोलो, बताओ, अगर मुझे क्यों नहीं फूटती, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उसने मेरा क्या बिगाड़ा था? पागल तो आप हैं ठाकुर साहब। मैं? आप कुछ नहीं समझते। आप मूर्ख हैं जो कमला को देखते आपने झुके दे रही है। वो कमला से प्रेम नहीं करता और ना कब कर सकेगा। वो तो बदला ले रहा है। बदला ले रहा है? किससे? मुझसे। ये क्या बक रही हो? आप नहीं जानते वो कौन है। और तुम जानती हो? मैं उसे जानती हूँ और जन्म जन्म तक जानती रहूंगी। ये क्या कह रही हो? जिस दिन मकान को आग लगी, बादल शहर जा चुका था। उसकी कोठरी में एक भिखारी आन पड़ा था। सब लोगों ने यही समझा बादल चलकर भस्म हो गया। मैं बड़ी पागल हूं, मैं बड़ी पागल हूं, मैं बड़ी पागल हूं। चुप रहकर मेरा तबला खोल लिया। भैया, भैया जी। ये तुमने मेरे भैया को किस बात की इतनी कड़ी सजा दी? दुनिया में मेरा एक भैया ही तो है। हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? क्या तुमने हमारे सुनचान में आग लगा दी? भैया, भैया कहाँ जा रहे हो? उसे मार डालेंगे, उसे मार डालेंगे। ये मैंने क्या कर डाला भाभी? बड़ा दिल दुखाया उसको मैंने। भैया तेरे ऊपर तो ऐसा भूत सवार था कि तूने कभी ठंडे दिल से हमारी बात ही ना सुनी। वो मेरी है भाभी, और आज मैं उसे अपने दिल में छुपाकर हमेशा के लिए यहां से जा रहा हूं। देखो, तुम उससे कह देना कि बाद में जिस चीज की लगन थी वो उसे मिल गई। कामनी मेरी है भाभी, वो हमेशा मेरी रहेगी, वो मेरे साथ जा रही है भाभी। तू उसे साथ नहीं ले जा सकता, कभी नहीं। तुम
तुम भी अब मेरी दौलत मुझसे नहीं छीन सकते। वो मेरी है, मेरी रहेगी। कमने, कमने, ये तुमने क्या किया? ये तुमने क्या किया? जीवन की सबसे बड़ी बुद्धि को सुलझा दिया मेरे मालिक। मैंने तुझे धोखा नहीं दिया बादल। लाख जतन करने पर भी मन तेरा ही रहा। मैंने आपसे बेवफाई नहीं की ना, मगर मेरा मन शरीर के बस में न रह सका। मैंने अपने जीवन के दो टुकड़े करके तुम दोनों पर निछावर कर दी। मन तुमने कुचल डाला और शरीर आपने, मेरा जीवन सफल हो गया। मुझे तेरा कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरा कुछ नहीं चाहिए। याद है बादल, तूने कहा था तू चाहता है मेरे हाथ में खून से लाल हो जाए। देख, देख बादल, मैंने तेरे हाथों में खून से नहीं दी चाहती।